हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पेन ड्राइव को रैम कैसे बनाएं। आप जब कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको स्लो कंप्यूटर की दिक्कत तो बहुत ही आई होगी। जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो ये दिक्कत हमेशा आपके साथ होता रहता है। अगर हमारे कंप्यूटर में रैम कम है और हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं या कंप्यूटर को अपने चलाते हैं तो हमारा कंप्यूटर स्लो चलता है, तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छा चलेगा पहले से। हाँ दोस्तों, आपने ये बिल्कुल सही सुना, हम अपने पेन ड्राइव को भी रैम बनाकर अच्छा खासा कंप्यूटर को रन कर सकते हैं यानी चला सकते हैं। तो इसके लिए आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आए हुए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अब आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में डिस पीसी खोल लेना है यानी कि माई कंप्यूटर। तो चलिए हम चलते हैं अपने माई कंप्यूटर पर। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर में जो डिस्क होंगे वो शो हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये सी ड्राइव है और ये डी ड्राइव है। अभी हमें इसमें अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करना है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा लेते हैं। तो ये हमने लगाया अपना पेन ड्राइव और पेन ड्राइव देख सकते हैं कि हमारा 8 GB का पेन ड्राइव है। ये पेन ड्राइव एकदम खाली है और मैं इसे ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये पेन ड्राइव एकदम खाली है। अगर आपका पेन ड्राइव में कुछ है तो पहले आप अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट करने के बाद फिर ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो रैम बनाने के लिए सबसे पहले आपको राइट बटन को क्लिक करना है माउस में एंड प्रॉपर्टी पर जाना है। अब जैसे ही प्रॉपर्टी पर जाएंगे तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप ओपन होगा। आप जैसे ही इस पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ जनरल मिल जाता है टूल हार्डवेयर शेयरिंग रेडी बूट एंड कस्टोमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ आपको रेडी बूस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रेडी बूस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको तीन कैटेगरीज मिल जाती है। पहला है डू नॉट यूज दिस डिवाइस। अगर पहले वाले पर टिक रहेगा तो ये आपका पेन ड्राइव रैम के रूप में काम नहीं करेगा। और ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है मिल जाता है हमें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ये पेन ड्राइव रैम के रूप में काम करेगा। और तीसरा जो आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये आपको जितना पेन ड्राइव का रैम चाहिए उतना पेन ड्राइव का आप नीचे आगे पीछे करके रैम बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपका पेन ड्राइव 8 GB का है तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे पेन ड्राइव में 6 GB का रैम हो और 2 GB खाली हो, 4 GB का रैम हो और 4 GB खाली हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं 4 GB का पेन ड्राइव बनाता हूँ। 4 GB का पेन ड्राइव बनाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई। अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग चलेंगी। अब ये प्रोसेसिंग चलने के बाद आप ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पेन ड्राइव हमारा 4 GB भर चुका है और 4 GB खाली है। तो अभी इसको जब ओपन करके देखेंगे तो इसमें कुछ रहेगा नहीं, केवल एक फोल्डर रहता है जो रेडी बूस्ट के नाम पर आता है, वो रैम के रूप में काम करता है। तो जब तक ये पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर में रहेगा तब अपना कंप्यूटर चलाइएगा और उसका स्पीड देखिएगा, फिर अपना रैम निकाल के अपना कंप्यूटर चलाइएगा और उसका स्पीड देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फर्क आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने एक पेन ड्राइव का रैम बना दिया। और भी इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।